दिनेश देशवाल बतौर अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाकी वंदना पोपली जी हमारे साथ बनी हुई प्रवक्ता बीजेपी, अंशुपक्षी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ बने हुए हैं और ओंकार सिंह जी प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ बने हुए हैं। सीए साहब आपसे सवाल करना चाहूंगे, बतौर अर्थशास्त्री आप हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो बजट आज आया है अपेक्षा से काफी बड़ा बजट आया है, जबकि ये अंतरिम बजट है। ऐसे में टैक्स में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, आपसे जानना चाहेंगे क्या कोई संभावना थी या ये कदम बिल्कुल सही था सरकार का? नहीं मैम, टैक्स की कोई हमारे को कोई नई संभावना लग नहीं रही थी। बड़ा अच्छा बजट है, बड़ा बढ़ा के बजट दिया है और यदि हम डाटा के हिसाब से देखें भी तो नेशनल से काफी हमारे अच्छे रिजल्ट हैं। स्टेट की जीएसडीपी 6.1 है जबकि नेशनल की 5.6 है। हमारा ईयर टू ईयर कॉन्स्टेंट प्राइस पे देखे तो 8% है जबकि नेशनल की 7.3% है। तो पर कैपिटा इनकम भी 3,25,000 है जबकि नेशनल लेवल की 1,85,000 है। तो बहुत ही अच्छा बजट है और इलेक्शन से पहले इस तरह का अट्रैक्टिव बजट नॉर्मली देखने को मिलता है और मिला भी इस बार। काफी अच्छी डिक्लेरेशन बाय द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने की हुई है, बट थोड़ा सा हमारा जो डेफिसिट है मैम वो भी विद इन 3% रखा हुआ है, वो भी ठीक है। लेकिन हमारे को थोड़ा सा कंसर्न यही है कि जो हमारा जो आप देखेंगे कि हमारी जो रिसीट है वो 1,89,000 करोड़ की है जिसमें से 72,000 हमारी कैपिटल रिसीट्स हैं जबकि हमारे एक्सपेंस जो है कैपिटल लेवल के वो 55,000 करोड़ ही हैं। तो हमारे को ऐसा लगता है कि कैपिटल रिसीट से जो एक्सपेंड हो रहा है वो रिवेन्यू एक्सपेंड हो रहा है, जो कि एक मतलब निंदनीय विषय है, सोचने का विषय है कि कैपिटल पार्ट से उठा के रिवेन्यू एक्सपेंस नहीं होना चाहिए तो जो कि डेफिसिट को बढ़ा सकता है। अदरवाइज बहुत ही अच्छा बजट है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है जो फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने बजट पेश किया, काफी अच्छा बजट है। काफी लुभानी घोषणाएं की गई जो कि बहुत ही फेवरेबल है, बहुत ही वेलकम स्टेप है। ठीक है दिनेश जी, बने रहेगा, बाकी मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे थोड़ा सा चर्चा कर लूं। वत्स जी आपसे जानना चाहूंगी, सीए साहब ने बता दिया भाई बजट तो ऑल ओवर ठीक है, थोड़ा सा जो कमी उनकी तरफ से थी वो उन्होंने बताई। वत्स जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए कोई बात नहीं, ओंकार सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी, वत्स जी से दोबारा मैं जोड़ूंगी। सीए साहब ने बता दिया अपना पॉइंट ऑफ व्यू, भाई टैक्स को लेकर के संभावना कुछ नहीं लग रही थी, थोड़ा जो ऊपर नीचे था वो उन्होंने बताया, बाकी उन्होंने कहा कि ओवरऑल बजट भाई बिल्कुल ठीक है। तो अब आप क्या कहेंगे? एक सवाल और मेरा आपसे है, 4,000 करोड़ तकरीबन छोटी राशि नहीं है, बड़ी राशि है और परिवहन विभाग का ये बजट घोषित कर दिया गया है जिसमें कई सारी एसी बसें आएंगी, कई सारी सड़कें दुरुस्त होंगी, इसको लेकर क्या कहेंगे? आम व्यक्ति की नॉलेज में महंगाई और भ्रष्टाचार, गरीबी ये मुख्य बिंदु है। सीए साहब ने तारीफ करी, मैं मानता हूँ तारीफ करेंगे, लेकिन मैं सीए साहब से पूछना चाहूंगा कि आज भी हरियाणा के उद्योगपति बद्दी में जाके, नालागढ़ जाकर, सोलन जाकर, कालाम जाके इंडस्ट्री लगा के बैठे हुए, उन व्यक्तियों को हरियाणा में वापस बुलाया जाए ताकि रोजगार सृजन हो। क्या सरकार ने ऐसे भी बजट में प्रावधान किया कि उद्योग ज्यादा बढ़े? क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा कोई किया कोई नया उद्योग स्थापित हो? 6.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन करने की बात करते हैं, जरा ये सीए साहब बताएंगे कि कितने एमओयू साइन हुए और कितनी इन्वेस्टमेंट आई? सिर्फ आंकड़ों को देख के पेट नहीं भरता, आम आदमी को रोजगार चाहिए। सीए साहब ये बताइए कि इस बजट से रोजगार कैसे पैदा होगा, उद्योग कैसे पैदा होगा? जो उद्योग हमारे हिमाचल में और पंजाब में चलेंगे, जो उत्तरांचल में हमारे चलेंगे, हरिद्वार बहुत उद्योग चलेंगे, वो उद्योग हमारे पास कैसे वापिस आएंगे? क्या बजट का कोई प्रावधान ऐसा है? क्या सरकार ने बिजली सस्ती करी उद्योगों के लिए? क्या उद्योगों के लिए कोई सब्सिडी दी? कैसे उद्योग वापिस आएगा हमारा? सिर्फ ये पढ़ के कह देना कि ये सीए के हिसाब से ये ठीक है वो ठीक है, मेरी भी क्वालिफिकेशन है, मैं भी बता सकता हूँ आपको क्या इसमें कमी है, लेकिन मेरे को कृपया ये बताइए सीए साहब, आप बहुत नॉलेज वाले हैं, इस बजट से कैसे हमारे उद्योग जो हरियाणा से बाहर चले गए हैं वो उद्योग कैसे वापस आएंगे? कैसे हमारे युवाओं को बेरोजगारी से मिलेगा? रोजगार का सृजन कैसे होगा? गरीबी और महंगाई से कैसे बढ़ोतरी की जाएगी? सिर्फ आंकड़ों को देख के इसमें डिफिसिट इतना आ गया, इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना आ गया, ये कागजी बातें हैं सीए साहब, जरा जिंदगी के वास्तविक क्षण को देखिए, वास्तविकता में क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? जनता को मतलब है रोजगार से। ठीक है ओंकार सिंह जी, आपने तमाम सारे सवाल पूछे हैं, कितनी संभावनाएं हैं जवाब की? सीए साहब आपकी आवाज नहीं आ पा रही। कुछ सहमत भी रखता हूँ एक्चुअली, जो बद्दी की और नालागढ़ की जो इंडस्ट्री की बात सर ने कही,
मैं उनसे सहमत करता हूँ, लेकिन जब वो इंडस्ट्रियां वहां पे गई थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी स्कीम थी, वहां पे एक्साइज भी माफ था और इनकम टैक्स भी माफ था और स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडीज भी थी। अब सब्सिडीज नहीं है, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ, इसकी स्टेट गवर्नमेंट ने और सब्सिडाइज या इंसेंटिवाइज देना चाहिए ताकि इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा आए। मैं आपकी बात से सहमत करता हूँ। ठीक, वंदना जी कुछ कहना चाह रही हैं आप? देखिए ओंकार सिंह जी ने, ओंकार सिंह जी अब आप चुपचाप प्लीज बात सुनिए, आपकी आदत खराब है बीच में बोलने की। ओंकार सिंह जी सुन लीजिए, दोबारा लौटूंगी, बहुत समय हमारे पास आज, बहुत ज्यादा समय, नहीं रोकूंगी आपको, लेकिन अपने अपनी बारी का इंतजार कीजिए। मुझे लगता है कि इनको ये बताना चाहिए कि किसके समय में उद्योग गए थे, ऐसा क्या हुआ था उद्योगपतियों के साथ, उनसे क्या मांगा जाता था, जो ये एनएलडी के टाइम में जो उद्योग गए थे, जो उनका बुरा हाल हुआ था, वो स्थिति क्या है वो बताएं। एक बीच में नहीं, अब ये कोई तरीका नहीं है, आप इनको रोकिए, इनको म्यूट करिए, मैं इनके बीच में नहीं बोली, मतलब आपको फायदा ही उठा रहे हैं ऐसे करके, अब दो गई बदतमीजी की। अरे ये बदतमीजी क्यों कर रहे हैं, दूसरी बार हो रहा है ओंकार सिंह जी, एक बार सुन लीजिए, आपकी बारी आएगी, आपकी बारी आएगी, तब आप सारे सवालों के जवाब दीजिएगा, जैसे आपको पूरा समय दिया गया वैसे ही आप एक बार सुन लीजिए, फिर आपके पास लौटूंगी मैं। मैंने बताया ना कि बहुत समय है हमारे पास आज, सुन लो उद्योगपतियों के साथ क्या किया था, वंदना जी जवाब दीजिए, मुझे इतना बता दीजिए कि औद्योगिक मॉडल टाउनशिप बनाना, हमारे बच्चों को स्किल करना, एनवायरमेंट देना, ये हमारा काम है, हम उस काम को कर रहे हैं। अरे इनको संभालिए जरा, अरे आईना दिखाओ तो बस, आप दोनों को संभाल लेती हूँ, आईना दिखाया तो हो गया, आप दोनों को संभाल लेती हूँ, वंदना जी लौटूंगी आपके पास, ओंकार जी का गुस्सा थोड़ा सा शांत होने दीजिए, वत्स जी के पास आऊंगे। वत्स जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक सवाल मेरा आपसे है, परिवहन विभाग के लिए तकरीबन 4,000 करोड़ का बजट जो है वो पेश किया गया, इसको लेकर के क्या कहेंगे? वंदना जी और ओंकार सिंह जी आप दोनों पे आऊंगे, थोड़ा देर रेस्ट कीजिए आप। देखिए सबसे पहले तो मैं वंदना जी को एक असलियत बताना चाहता हूँ, आज मैं आपको, हाँ सुनिए मैं आपको आपकी असलियत बता रहा हूँ। हरियाणा में खट्टर जी के राज में 820 कंपनियों ने हरियाणा को छोड़ा है, ये मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ, सुन लीजिए वंदना जी। हरियाणा का आंकड़ा है कि हरियाणा से 820 कंपनियों ने हरियाणा को छोड़ा है। ऐसी क्या मजबूरी रही थी जिसकी वजह से उन कंपनी वालों को हरियाणा को छोड़ना पड़ा? ऐसी कौन सी मजबूरी रही कि भैया 8 लाख से अधिक लोगों ने भैया हरियाणा की नागरिकता छोड़ी है? ऐसी कौन सी मजबूरी थी, आप इसका जवाब दे दीजिए कि भैया 8 लाख से ज्यादा लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि भैया 820 कंपनियों ने हरियाणा से अलविदा कहा है? ऐसी कौन सी मजबूरी है बता दीजिए आप। सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है, दूसरी तरफ ये क्या कहते हैं कि जितने भी रिच लोग हैं वो उद्योग, सुन लीजिए मेरे, अरे सुन लीजिए वंदना जी, सुन लीजिए एक सेकेंड, ये कहते हैं वंदना जी सुन लीजिए, वंदना जी एक सेकेंड, मैं आपको आपकी ही वीडियो सुना रहा हूँ, वंदना जी आपके पास आपको आपकी ही वीडियो सुना रहा हूँ, मैं सुन लीजिए एक बार आप, इसके बाद लौटूंगा। वंदना जी सुन लीजिए एक बार आप, थोड़ा सुनने की शक्ति रखिए, थोड़ी सुनने की शक्ति रखिए, मैं आपको आपकी वीडियो सुनाना चाह रहा हूँ, सुन लीजिए आप, एक बार तरफ लीजिए, सुन लीजिए, सुनिए अभी ओंकार सिंह जी आपके बीच में बोल रहे थे तो आपको पसंद नहीं आ रहा था, एक बार सुन लीजिए उसके बाद आपके पास आऊंगी। ये जो आपने कहा था ना कि वो मजबूरी वाला बात, ये मैं आपको मजबूरी वाली बात सुना देता हूँ जो खट्टर जी ने कही थी, सुन लीजिए उसे। इनको लोगों में जागरूकता आई है कि नहीं ये करप्शन है, ये नहीं होनी चाहिए, मजबूरी में शायद आज भी किसी को करने की संतुष्टि होगी। नेता नहीं मैं खुद कहती हूँ जिनकी पुरानी नियत है, जो पुराने तुम्हारे टाइम के, आप मुझे ये बताइए क्या नहीं कहा खट्टर जी ने कि भैया मजबूरी में करप्शन करना पड़ जाता है? क्या उन्होंने ये बात स्वीकार, ये क्यों कहा उन्होंने कि भैया मजबूरी में करप्शन करना पड़ जाता है? आप इसका जवाब दे दीजिए। अपने झूठ की बोल तुमने खुद खोली है यहाँ पर, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। नहीं मुझे आप ये बताइए ऐसी क्या मजबूरी थी जो खट्टर जी ने कहा है कि भैया मजबूरी में करप्शन करना पड़ जाता है? अभी तो मैंने आपको सुना दिया उनका मजबूरी का, नेताओं का नाम ले रहे हैं, कम से कम आप ये देख लीजिए ना कि आपके नेताओं का क्या हाल था। नहीं मुझे आप वो सब बात छोड़िए, मुझे आप उसका जवाब दीजिए, खट्टर जी ने ऐसा क्यों कहा कि भैया मजबूरी में कभी कभार करना पड़ जाता है? मुझे आप ये बता दीजिए कि कौन सी मजबूरी थी जिसमें खट्टर जी ने ये कहा कि भैया मजबूरी में करना पड़ जाता है? मैंने तो अभी आपको सुना दिया। कौन सी मजबूरी थी? हुड्डा जी ने कहा था कि खट्टर जी ईमानदार है,
अब आप लोग बजट पे बात नहीं कर रहे हैं, बजट पे बात नहीं कर रहे हैं, उनकी मजबूरी जो थी आपकी मजबूरी क्या है, बजट पे बात नहीं कर रहे, बजट पे बात नहीं कर रहे। तीन दिन पहले कह रहे कि भैया कि 70,000 करोड़ में घपला किया है और उसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाते हैं। आप मुझे बताइए कि अगर किसी व्यक्ति चोरी करता है तो उसे जेल में डालते हैं या उसे मुख्यमंत्री बनाते हैं? आप इसका जवाब दीजिए। टॉपिक की बात कर रहे हैं, कुछ चोरी करते तो उसे जेल में डालते, क्यों उसे मुख्यमंत्री बनाते हैं? इसका जवाब दीजिए। देखिए, आउट ऑफ टॉपिक बात करने का कोई मतलब नहीं है। बजट पे हम लोग चर्चा करने के लिए बैठे हैं, ज्यादा समय लेकर के आए हैं ताकि एक हेल्दी डिबेट हो, एक हेल्दी वो हो। बजट पे इनके पास जवाब नहीं है। कल ऐसा ही हुआ है, विश्वास प्रस्ताव के समय भी उन्होंने हर तरह की बात करी, गाली गलौज तक करी। आप ये देखिए, एक विधायक वहाँ पर खड़े होकर गाली गलौज कर रहा है। असल बात ये है कि आप लोग जवाबों से भागना चाहते हैं। आप लोग सवालों को जवाब देने से कम आप लोग तमाम अन्य मुद्दों पर जवाब देते हैं। तमाम अन्य मुद्दों पर आपसे पूछा जाता है बेरोजगारी पे, आपसे पूछा जाता है कि भैया आज हरियाणा में बेरोजगारी दर 9.9% क्यों है, तो आप लोग बात करते हैं कि भैया राम मंदिर की। ठीक है, आप लोग नहीं मानेंगे, आप लोग नहीं मानेंगे, थोड़ा देर आराम कर लीजिए, क्योंकि आप मेरी तो सुनेंगे नहीं, सीए साहब की सुन लीजिए। सीए साहब, आपने सभी को सुना। देखिए, सबके अपने अपने मत है, कोई बजट पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन इन सब के बातों के हिसाब से क्या निष्कर्ष निकालना चाहेंगे आप? देखिए मैम, एक्चुअली जो बजट आया है वो एक बैलेंस्ड बजट है, इलेक्शन के हिसाब से अट्रैक्टिव बजट है, लेकिन मैं विपक्ष के अपने फ्रेंड से भी सहमत हूँ कि कुछ न कुछ इंसेंटिव्स हमारे हरियाणा के लिए ज्यादा बढ़ाए जाने चाहिए ताकि इंडस्ट्री आ सके। इंडस्ट्री में आने की हमारे और संभावनाएं हैं। हालांकि मारुति का एक अच्छा प्लांट डेवलप हो रहा है खरकोटा में, लेकिन और भी, क्योंकि हम दिल्ली से सटे हुए हैं, बिल्कुल दिल्ली से क्लोज हमारा स्टेट है, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज और हमारे पास रिसोर्सेज, हमारे पास यूथ बहुत ज्यादा है। इसके हिसाब से इंडस्ट्री हमारे पास और आ सकती है। गवर्नमेंट को उसमें प्रयासरत रहना चाहिए। तो जो कि हम देख रहे हैं कि मेट्रो का भी अप्रोक्सीमेट 9 ईयर्स जाने के बाद गुड़गांव में अभी शिलान्यास होया है, तो भी कांग्रेस रूलिंग में पहले से ही मेट्रो चल रही थी। तो बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे कमियां हैं, टैक्सेशन पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर आज के दिन केवल सड़कों का और नहरों का और फ्लाईओवरों का 9,000 किलोमीटर सड़कों को दुरुस्त करने की बात भी कही गई है इस बजट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आईटी का भी इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी और भी बढ़नी चाहिए। जैसे सेंटर के लेवल पे ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है, हरियाणा में भी उस लेवल पे ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। इवन आज के दिन तो हम जीएसटी ऑफिसर्स की मेल आईडियां ही सर्च करने में बहुत टाइम लग जाता है, जो कि अवेलेबल साइट पे ही होनी चाहिए। तो इवन मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके ये बताना चाह रहा हूँ कि आज के दिन इंफ्रास्ट्रक्चर केवल रोड, फ्लाईओवर्स और रेलवे मार्ग और यही नहीं, इसके अलावा आईटी का भी इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ाना चाहिए। जो हमारी इंडस्ट्री के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट सेटअप अट्रैक्टिव का ही होना चाहिए, जो इंडस्ट्री को वेलकम करे। आई थिंक वो कहीं ना कहीं हमारा हरियाणा स्टेट में अभी कमी रही है, जिसके कारण से बीते वर्षों में यूपी में इन्वेस्टमेंट ज्यादा हुई है कंपेयर टू हरियाणा। हरियाणा में इंडस्ट्री और ज्यादा आनी चाहिए। यदि इंसेंटिव और स्पेसिफिकली सेटअप होगा तो हमारे हरियाणा में अभी पर्याप्त लैंड है, पर्याप्त यूथ है, पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, तो इंडस्ट्री आ सकती है। यदि गवर्नमेंट और भी प्रयास करे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और बढ़ाया जा सकता है। यस मैम, प्लीज। ठीक, अंश जी, कुछ सुझाव दिए जो है सीए साहब ने, आपसे अब जानना चाहेंगे। खेल एक जो है हरियाणा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, चाहे हरियाणा की बात करें चाहे पंजाब की बात करें, तो ऐसे में सरकार की तरफ से आज खेलों को भी ध्यान में रखते हुए 578 करोड़ का बजट उसके लिए पेश किया गया है, उस पर क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए, मैं बात करना चाहूंगा, देखिए सुनिए आप, कि हरियाणा में शिक्षा को लेकर भी बजट पेश करते हैं जी। पूंजीगत व्यय जो है वो सबसे ज्यादा है, 30% कभी भी नहीं छुआ। पिछली बार भी हमने 30% के आसपास थे और इस बार भी हम तकरीबन 29.19% है। ये किसी भी स्टेट में जल्दी से ये नहीं मिलता है, ये पूंजीगत व्यय जो हमने किया है। उसके अलावा आप इस चीज को भी समझे कि जो हमारा बार बार ही कर्जे पे प्रश्न उठाते हैं, तो कर्जा भी आप ये देखेंगे वो जो है 26% के करीब है, जो कि 30.10 नॉर्मल होता है, हम उसके आसपास है और आगे भी हम उसको 26% के आसपास रखना चाह रहे हैं। आप ये देखेंगे पंजाब ने जो है 48% के करीब है, तो हम उसके भी आसपास है। जहां तक उद्योगों की बात है, मुझे लगता है ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसके लिए पूरी डेवलपमेंट की जा रही है। अगर आप हाईवेज की बात करें तो हाईवेज भी बहुत अच्छे डेवलप हो रहे हैं। मुझे लगता है कि
साउथ हरियाणा में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर भी मैंने देखा कि पूरा इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो गया जिससे हम राजस्थान और बाकी सारे जो स्टेट्स हैं उनसे डेवलप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। और बाकी हरियाणा में भी देखेंगे आप तरह तरह, जैसे अभी एम्स का भी हमारे यहाँ पर शिलान्यास हुआ है, तो हर एक तरह से कोशिश की जा रही है कि हर एक सेक्टर में जो है डेवलपमेंट जो है उसको आगे बढ़ाया जाए। जहाँ तक आपने यहाँ पर बात की खिलाड़ियों की, तो खिलाड़ियों के लिए भी हमारी जो सरकार है पूर्ण रूप से अवेयर है, उनको मालूम है कि किस प्रकार से जो है उनको आगे इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। जैसे कि वर्ष 2023-24 में 692 खिलाड़ियों को 92 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार दिए। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में भी 183 खिलाड़ियों को 105 जो इन्होंने 105 पदक जीत कर प्रदेश को प्रथम स्थान दिलाया था, तो उसके लिए भी उनको नगद पुरस्कार और जॉब्स जो है वो दी जाती है। उसके अलावा आप देखिए नर्सरियां बनाना या व्यायामशालाएं बनाना, ये सब जो है वो भी हमारे बजट में भी, और उससे पहले भी हम इस तरह का जो है काम करते हैं। व्यायामशालाएं बनानी हो या स्टेडियम्स बनाने हो, ये सब जो है डेवलपमेंट लगातार जो है मेरी सरकार के समय में चल रही है और हर एक वर्ग का ध्यान दिया गया, महिलाओं के लिए भी स्पष्ट में आएंगे। ठीक वंदना जी, वत्सी आपसे मेरा सवाल था खेलों को लेकर के। देखो मैं यही तो कह रहा था, सवाल मेरे से पूछा गया था, जवाब ये देनी थी। मैडम को बहुत ज्यादा जल्दी रहती है कि दूसरों के सवालों का जवाब देने की, पर खैर कुछ नहीं। बात ये है की आप, हाँ सुनिए, हाँ सुनिए सुनिए, मैं ये कह रहा था कि देखो एजुकेशन के सेक्टर में, शिक्षा के क्षेत्र में हर बार सरकार बजट लेकर आती है, लेकिन सरकार की नियत होती है कि वो शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ाए ताकि हर एक व्यक्ति तक, जो ये कहते हैं ना अंतिम पंक्ति, तो अंतिम व्यक्ति तक वो शिक्षा का लाभ पहुंचे। लेकिन सरकार क्या है, इस सरकार ने क्या करा, 5000 से ज्यादा स्कूलों को या तो वो मर्ज कर दिया या तो उनको बंद करने का काम किया है। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने नहीं, एक सेकंड भैया, मैं आपकी बात को, मैंने आपको आराम से शांति से सुना था ना, नहीं मैंने आपकी बात को आराम से सुना, ये आप यही तो बात है, ये जो आप नफरत फैला रहे थे, नफरत के बाजार में ही तो मोहब्बत की दुकान खोलने का काम करते हैं, ये जो आप लोग नफरत फैलाते थे, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम करते हैं, तो चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। एक बार आप शांति से बात रखिए, शांति से बात रखिए, मैं कह रहा हूँ देखो हमारे नेता कितनी अच्छी बात कर रहे हैं भैया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। ठीक है, और देखिए मैं कह रहा हूँ इन्होंने जो ये एम्स की बात करी है, एम्स तो मोदी जी ने भैया दरभंगा में भी खोल दिया था, जहाँ पे आज तक एम्स का एक पत्थर तक नहीं दिखाई दे रहा, वहां पे भी मोदी जी ने एम्स खोल दिया, जो आप बात कर रहे हैं एम्स की, और सुनिए, और जिन्होंने बात नहीं सुनी, सरकार की नियत की बात होती है, सरकार की नियत की, हमारी जब सरकार जब 2014 में गई थी तो उस टाइम पे इस हरियाणा प्रदेश पे कर्जा था 70,000 करोड़ का, जो कि आज कर्जा हो चुका है 5,00,000 करोड़ का। ठीक है, मेरे हिसाब से शायद ये तुम्हारे के हिसाब से शायद सही आंकड़ा होगा क्योंकि ये हरियाणा के मुख्यमंत्री के ही वेबसाइट पे था। ठीक है, तो 5,00,000 का कर्जा हो चुका है हरियाणा पे। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार की नीयत है, क्योंकि सरकार ने ना तो कोई एक मेजर प्रोजेक्ट उन्होंने रखा है जहां पे ये इतना भारी भरकम उनको कर्जा लेना पड़ा है, और जो राइट टू हेल्थ की बात होती है तो यही अंतर है। जब कांग्रेस की बात आती है तो कांग्रेस राइट टू हेल्थ के तहत चिरंजीवी योजना देती है राजस्थान में, जहां पे 25,00,000 का स्वास्थ्य बीमा होता है, और वहीं भाजपा जब राइट टू हेल्थ की बात करती है तो उसमें आयुष्मान भारत के तहत 8 करोड़ का घोटाला कर जाती है। तो ये अंतर होती है नीयत की, हम हर एक व्यक्ति तक, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति जो ये कहते हैं, वहां तक हम हर एक व्यक्ति को उसका स्वास्थ्य का अधिकार देने की बात करते हैं, और ये आयुष्मान भारत के घोटाला कर जाते हैं। तो ये एक बात होती है, तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, आप जब 2,00,000 से अधिक सरकारी पद खाली रह जाते हैं, ठीक है, उसके बाद हर एक वर्ग को आप परेशान करने की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपकी कौन सी नीयत है? नीयत के ऊपर सवाल आता है। शिक्षा अगर आप देना चाहते हैं, अगर आप एजुकेशन देना चाहते हैं, तो आप स्कूल्स को मर्ज क्यों कर रहे हैं, उन्हें बंद करने का काम क्यों कर रहे हैं? ठीक, और मैं एक और बात, एक सजेशन देना चाहूंगा मैडम, एक हमारी बीजेपी की प्रवक्ता को बस एक सजेशन देना चाहूंगा, नफरत से कुछ नहीं होगा, राहुल गांधी जी की मोहब्बत के संदेश को लेकर चलिए, मोहब्बत बांटने का काम करिए, नफरत फैलाने से कुछ नहीं होगा। ठीक ठीक है, ओंकार सिंह जी कुछ कहना चाह रहे, वंदना जी इसके बाद आपके पास, एक बार ओंकार सिंह जी को सुन लीजिए। ज्योति जी, जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही, आ रही है, आप अपनी बात रखिए। ज्योति जी मैं कहना चाहूंगा दो मुख्य बिंदु पर बात करूंगा, एक तो गरीब, देखिए एक तो कहते हैं हम गरीब के लिए बहुत काम कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी का 85.5 करोड़ गरीबों को हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, 25 करोड़ हमने अपलिफ्ट कर दीजिए, देश के 82 करोड़ और 25.7 करोड़ हो गए, 1 करोड़ की जनता में अगर 160 करोड़ गरीब है तो कैसे हमारा देश मिशन गुरु बनेगा?
और इसके साथ ही अगर 2014 में हरियाणा पर 67,000 करोड़ का कर्ज था, आज जो 4,00,000 करोड़ के करीब है, ऐसे कर्ज 121% प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी की बात सरकार कर रही है। चलिए कोई बात नहीं, आपसे दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। वंदना जी कुछ कहना चाह रही थी आप। जी देखिए सबसे पहले बात, मुझे लगता है कि ये नियत की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं, और मोहब्बत की दुकान का शटर जब खुलता है तो गालियां निकल आती हैं। पहले संदीप सुरजेवाला, या कल हमने बजट सत्र में गोगी जी को दे, नहीं तो फिर नोटों के पहाड़ निकल आते हैं, उसका जवाब इनके पास नहीं होता। और यहाँ पर बैठकर इनको मुझे लगता है सीखने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, फिर आइए यहाँ पर बात को रखें। गलत आंकड़े बार बार ये प्रेजेंट कर रहे हैं, कभी कहते हैं कि 2,00,000 जो है वो जॉब खाली है, कभी कुछ और बात कर देते हैं, कभी कुछ और बात निकाल देते हैं, कभी मुख्यमंत्री जी को लेकर स्टेटमेंट दे देते हैं। तो मुझे लगता है इनको पढ़कर आने की जरूरत है, हो सकता है नए आने शुरू हुए हो तो अभी पता नहीं हो, लेकिन यहाँ पर इस चीज को समझना चाहिए कि मेरी सरकार ने हर एक वर्ग को सामने लेकर जो है वो काम किया है। ओमकार सिंह जी यहाँ पर बैठकर कितने मर्जी आरोप लगा लें, जब कहते हैं ना कि जब और कोई जवाब नहीं तो चलो जी एम्स पे चला जाए, चलो जी यहाँ पर चला जाए, कंडीशन हो रही है। क्योंकि समय हमारे पास कम है, दिनेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश जी फाइनल कमेंट चाहूंगी, 15 सेकंड आपके पास है, फाइनल कमेंट पूरी डिबेट पे चाहूंगी। मैम ये बजट बहुत ही अच्छा है, अट्रैक्टिव बजट है, हमारा हरियाणा कंपेयर टू नेशनल वैसे ही आगे ही रहता है। हमारे हरियाणा के यूथ में बड़ी पावर है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है, हमारे पास लैंड है, बंजर लैंड भी इस इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की जा सकती है, हमारा डेफिसिट बजट भी कंट्रोल में है। मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि जो हो सकता है और फर्दर इंडस्ट्री के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अभी जो इम्प्लीमेंट में देख पा रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की इंसेंटिव्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ज्यादा हैं, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सा कम रहा है। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेट हाईवेज हैं, लोकल रोड्स हैं, कनेक्टेड रोड्स हैं, या फ्लाईओवर्स हैं, या जो कनेक्टेड हैं, पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट है, पब्लिक फैसिलिटीज है, उस पर थोड़ा सा बढ़ाया जाए। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेसिफिकली स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को और बढ़ावा देना चाहिए। पहले से काफी अच्छा विकास हुआ है, ट्रांसपेरेंसी पहले से बड़ी है, बट बहुत ज्यादा सुधार की गुंजाइश है। अभी और भी इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल, स्पेसिफिकली आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल, ट्रांसपेरेंसी लेवल, गवर्नेंस लेवल को और बढ़ाना चाहिए। ठीक है सी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हरियाणा विधानसभा में आज प्रदेश का बजट पेश हो चुका है, अंतरिम बजट ये था और उम्मीदों से कई बड़ा बजट था। 1,89,000 करोड़ का ये बजट था, जिसमें हर वर्ग को साधने की सरकार की तरफ से प्रयास किया गया। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।